स्वस्थ रहने के लिए घर का बना खाना हमेशा से ही हेल्दी माना जाता है, क्योंकि घर के बने खाने में आपको पता होता है कि आपने किस क्वालिटी के फूड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया है, और साथ ही साथ घर के बने खाने में आप मसालों का प्रयोग भी कम या ज्यादा अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। यूं तो घर का बना लगभग सभी खाना हेल्दी ही होता है, परंतु कुछ हर्ब्स और मसाले ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग करके आप खाने को और भी स्वादिष्ट और पौष्टिक बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे ही हर्ब्स और मसालों का प्रयोग बताने जा रहे हैं जिनका इस्तेमाल करने से ना सिर्फ आपका खाना पौष्टिक, हेल्दी और स्वादिष्ट बनेगा, साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी भी मजबूत होगी और आप कई बीमारियों से बचे भी रहेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूनम। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने हेल्थ चैनल पर। दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले मसाले की बात करते हैं, जो है काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च का प्रयोग अक्सर कुछ खास डिशेज में ही किया जाता है, परंतु ये एक ऐसा मसाला है जिसका प्रयोग आप किसी भी खाने में बेझिझक कर सकते हैं। काली मिर्च में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और वजन को घटाने में मदद करता है। काली मिर्च वायरस, बैक्टीरिया के कारण होने वाली वायरल बीमारियों से बचाव करता है, पेट को स्वस्थ रखता है, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी में भी काली मिर्च के प्रयोग को फायदेमंद माना गया है। काली मिर्च को साबुत प्रयोग करने के बजाय इसे पीस कर रख लीजिए और अपने स्वाद अनुसार इसका प्रयोग कीजिए। दोस्तों, हमारी सेकेंड हर्ब आती है करी पत्ता। करी पत्ते का इस्तेमाल भी कुछ पर्टिकुलर डिशेज में ही किया जाता है। करी पत्ता इतना हेल्दी होता है कि इसमें विटामिन B1, B3, B9, आयरन, कैल्शियम और फास्फोरस जैसे ढेर सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। करी पत्ते का इस्तेमाल आप दाल, सब्जी या पुलाव किसी भी डिश में कर सकते हैं। 5 से 6 करी पत्ते को डेली अपने खाने में इस्तेमाल कीजिए। ये ना सिर्फ आपके खाने का स्वाद बढ़ाएगा बल्कि आपके खाने को पौष्टिक और हेल्दी भी बनाता है। करी पत्ते के पौधे को आप बहुत ही इजीली अपने घर में लगा सकते हैं, इसलिए रोजाना अपने खाने में करी पत्ते का इस्तेमाल जरूर करें। ये गुणों की खान होता है। नेक्स्ट आता है दालचीनी। दालचीनी में बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो ब्लड शुगर को कम रखता है और हमारे पाचन को स्वस्थ रखता है। दालचीनी के नियमित सेवन से कोलेस्ट्रॉल कम होता है और दिल की बीमारियों का खतरा भी कम होता है, इसलिए दालचीनी को रोजाना अपने खाने में जरूर शामिल करें। दालचीनी को बजाय साबुत प्रयोग करने के इसे पीस कर पाउडर बनाकर रख लें और रोजाना थोड़ा सा अपने खाने में इसका इस्तेमाल जरूर करें। हमारे अगले मसाले आते हैं सरसों के दाने, जीरा और मेथी। वैसे तो अधिकतर लोग खाना बनाते समय छौंका लगाने में इनका प्रयोग करते हैं, परंतु अलग अलग कल्चर के अनुसार अक्सर लोग इनमें से किसी एक का ही प्रयोग करते हैं, जबकि ये तीनों मसाले जीरा, मेथी और सरसों के दाने कई मिनरल्स, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरे होते हैं। ये पेट को स्वस्थ रखते हैं और पाचन को बेहतर बनाते हैं। इनमें मौजूद कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन और कॉपर हमें कई गंभीर बीमारियों से बचाते हैं, इसलिए अपने खाने में इन तीनों ही मसालों का रोजाना प्रयोग करें। तो दोस्तों, लास्ट हर्ब्स आती है हमारी ऑर्गेनो और बेसिलीज। ऑर्गेनो और बेसिल लीव्स का इस्तेमाल पश्चिमी खानपान में बहुत ज़्यादा किया जाता है और भारत में इसका इस्तेमाल अमेरिकन और इटालियन फूड्स में किया जाता है। बेसिल लीव्स तो तुलसी की पत्तियां ही होती हैं जिन्हें सुखाकर चूरा कर लिया जाता है, और ऑर्गेनो एक फायदेमंद हर्ब्स का मिश्रण होता है जो बहुत ही ईजिली आपको मार्केट में मिल जाता है। इन दोनों ही हर्ब्स का इस्तेमाल आप अपने खाने में करें, ये स्वाद बढ़ाने के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा फायदे भी देता है। खाना बनाने के बाद ऊपर से इनको बुरक लीजिए, यह आपका स्वाद और खाने की पौष्टिकता को बढ़ाता है। तो दोस्तों, ये तो थे 5 हर्ब्स और वो मसाले जिनका इस्तेमाल अगर आप अपनी डेली रूटीन के खाने में करते हैं तो आप कई बीमारियों से बचे रह सकते हैं। ये ना सिर्फ आपके खाने के स्वाद को बढ़ाते हैं, साथ ही साथ आपके खाने को पौष्टिक और हेल्दी भी बनाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा।
हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।